तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हूवर डैम। ये रहा मेरे पीछे डैम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी आप लोग को मेन लोकेशन की तरफ लेके चलते हैं। आई थिंक ये वो डैम है जो धूम 3 मूवी में दिखाया गया है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ क्योंकि काफ़ी पुरानी मूवी हो गई है, बट अभी जब आते समय मैंने ये डैम देखा तो एकदम धूम 3 मूवी का मेरे को सीन याद आ गया, जहाँ पे आमिर खान मतलब डबल रोल दिखाते हैं, आमिर खान गिर रहा होता है डैम से नीचे और कुछ डायलॉग बोल रहे होते हैं। पता नहीं मैं भूल गया डायलॉग, आपको याद है तो कमेंट में बताना, और कमेंट में बताना। और वो जो डैम है वो यही वाला है कि दूसरे वाला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है इस डैम के लिए, और डैम है भी भैया इतना खूबसूरत, सिक्योरिटी बनती भी है। और मैं देख रहा हूँ अभी इस तरफ में ना काफ़ी ज़्यादा पानी भी इन्होंने रोका हुआ है। अगर ये डैम टूट जाता है तो मुझे लगता है काफ़ी सारे आसपास में जो गांव होंगे वो डूब जाएंगे। छोटे छोटे से अभी आते समय मैंने देखे थे, बहुत सारे छोटे छोटे से गाँव थे। और मतलब नीचे देखते हुए ना थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, इतना मतलब स्टीप है यहाँ से। हम लोग पहुँच गए हैं वेगास में और होटल में अभी चेक इन करते हैं, सामान वगैरह रूम में रखते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो जिस होटल में हम लोग रुके हैं इसके में कैजिनो है, मजा आने वाला है। सो यू गोइंग टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी? आई एम जस्ट गोइंग टू गर्ल्स। तो आज हैं पैसे इस नज़ारे के जो अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। हमारे होटल के रूम से जो नज़ारा दिख रहा है ना भैया, दिल खुश हो गया। मेरा होटल और होटल के बाहर का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ कि होटल से निकलते ही कैसा नज़ारा आप लोग को दिखता है। होटल में तो सारे कैजिनो वगैरह हैं, बट बाहर आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो ये है मेरे होटल के बाहर का नज़ारा, लाइटें देख रहे हो। ये मेन स्ट्रीट यहाँ की, जहाँ पे सब बॉलीवुड मूवी वगैरह की शूटिंग होती है। तो मैं लकली इधर होटल में रुका हुआ हूँ, जहाँ से मैं वॉक करके जा सकता हूँ यहाँ पे अंदर। और ये यहाँ का रूल है कि अब आप लोग को मास्क पहन के जाना पड़ेगा। मैं पहले आया था लास्ट टाइम तो मास्क वगैरह नहीं पहनना था। बस ये यहाँ पे ना म्यूजिक बहुत ज़्यादा चल रहा है तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो है बहुत ही कम लोग आए हुए हैं। जैसे मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था, पिछले साल भरा हुआ था, पर अभी बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। मेरे पीछे देखो यार, बहुत ही कम लोग हैं। Way down there, homie. Okay. No, not right there. And? Yeah, but from the, about 2 blocks away. So, ये था Las Vegas का नजारा। आज मैं हूँ कैलिफोर्निया में और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं राउट 66 पे ट्रैवल कर रहा हूँ और आज मेरा आखिरी दिन है राउट 66 पे ट्रैवल करने का। और हम लोग ऑलमोस्ट 25 डेज से हम लोग राउट 66 पे ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारी यादें जुड़ गई हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं। तो आज जो है मैं सैंट मोनिका बीच पे पहुँच जाऊँगा, जो राउट 66 का एंड हो जाता है। और हमें कुछ आज 4-4.5 घंटे ड्राइव करनी है। और ये है सबसे पहली लोकेशन। कैलिफोर्निया में ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, बट फिलहाल ये बंद है तो आप लोगों को बाहर से ही दिखा देता हूँ मैं। इन्होंने बनाए हुए हैं ट्रीज, बोटल ट्रीज, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे। एक्चुअली बहुत ही बड़ा एरिया है जो इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी तो हमें चांस नहीं मिल पाया, आई थिंक कोरोना वायरस की वजह से बंद है। अगर आप लोग यहाँ कैलिफोर्निया में रहते हैं या हाईवे 66 पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बोटल ट्री के नाम से ये जो एरिया है देखना ज़रूर। He's been on Route 66 since the 1950s. So you have to tell stories here. Oh, okay.
सो हियर्स द स्टोरी अबाउट द चिकन बॉय, पते जो फोटो वगैरह खिंचवाते हैं चिकन बॉय के साथ। और चिकन बॉय जो पहले डाउनटाउन में थे एलए में, बट वो वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग वगैरह डैमेज हो गई थी तो उसको यहाँ पे मूव कर दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सेंट मोनिका बीच, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सेंट मोनिका बीच पे, और पार्किंग का बहुत इशू था तो मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है। हमें यहाँ पे आने में 25 दिन लग गए हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था शिकागो से, और राउट 66 पे जितने भी छोटे छोटे टाउन थे हम लोग सब बड़े मस्ती से देखते हुए आए। यहाँ पे जो सेंट मोनिका पियर है ये यहाँ से तो बंद किया हुआ है कि यहाँ से नहीं जा सकते हो, लोग वहाँ से घूम फिर के जा रहे हैं। तो वहाँ चलते हैं और ढूंढते हैं राउट 66 का साइड। तो कमाल हो गया, पूरा हम लोग पियर पे आ गए हैं और अभी तक हम लोगों को साइन नहीं दिखाया राउट 66 का। उधर लिखा हुआ होना चाहिए कि राउट 66 है जो यहाँ से ख़त्म होता है। दो साइन होते हैं जैसे मैंने शिकागो में दिखाया था कि राउट 66 स्टार्ट एंड एंड। तो ये थी वो लोकेशन राउट 66 की जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था शिकागो से आज से 25 दिन पहले। और मेरे को बहुत लोग मिले जिन्होंने बोला कि आज तक किसी भी इंडियन ने यहाँ पर आके हमसे बात नहीं की है, यहाँ पे कभी ट्रैवल नहीं किया इस रोड पे। हो सकता है कुछ इंडियन ने थोड़ा बहुत राउट 66 पे ट्रैवल किया हो, बट आज तक किसी ने इसको कंप्लीट नहीं किया था। तो ऑफिशियली मैं पहला इंडियन बन गया हूँ जो राउट 66 को 25 दिन में कंप्लीट किया है शिकागो से कैलिफोर्निया में। और मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त रोड था। अगर आपको कभी चांस मिलता है ट्रैवल करने का तो ज़रूर करना, आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। अगर पूरा ट्रैवल नहीं कर सकते हो रोड को, आप जिस भी स्टेट के अंदर हो तो उस स्टेट के अंदर ट्रैवल करो, हर स्टेट के अंदर अट्रैक्शंस हैं। टोटल 8 स्टेट थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, और हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ अनोखा था राउट 66 पे देखने का। तो ये है एंड राउट 66 का। तो मैं आशा करता हूँ आपके आपको भी यार कुछ ना कुछ मतलब अच्छा लगा होगा इन वीडियो में, आपकी भी कुछ ना कुछ यादें बनी होंगी। मेरी तो बहुत सारी यादें बनी है राउट 66 के साथ। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था ना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मतलब मिलने का चांस मिलेगा। बड़े मैंने अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू लिए, बड़ी अच्छी बातें हुई, और यही पता चला इस राउट के ऊपर कि लोग यार सब बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अच्छे हो ना तो आप अच्छे लोगों से मिलोगे। चलो इस वीडियो को यहाँ पे भैया लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।